टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है। इसका सबसे गहरा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अभिभावक बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई तो बाधित होगी ही। चाईबासा सदर प्रखंड के निम्बी ग्राम सभा में इसका समाधान निकाल लिया है। यहाँ एक बार फिर से पुरानी गुरुकुल परंपरा शुरू हो गई है। गांव के जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने छोटे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है और पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा कर हर दिन 2 घंटे पढ़ाई कराई जाती है। डेविड पूर्ति, पूजा पूर्ति और शांति कुंकल, इन तीनों युवाओं ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। हम पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को, हम भी पढ़ते हैं कॉमर्स कॉलेज में, हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो यहाँ स्कूल सब बंद होने की वजह से बच्चा लोग इतना दिन छुट्टी में रहे, कुछ अपना जो पढ़ने लिखने का था वो सब शायद ही भूल जा रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरफ से जो हो पाता है हम लोग अपना गांव के लिए करें। तो वही चीज़ हम लोग बच्चों के प्रति शिक्षा के लिए थोड़ा सा जागरूक हो के अपने आप थोड़ा पढ़ाने का जिम्मा उठाए हैं बच्चा लोग को, और अपने तरफ से जितना हो पाता है उतना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले करते हैं या और साथी भी हैं? हमारे 2 साथी हैं, वो दोनों भी पढ़ते ही हैं अभी भी, वो लोग इंटर कर रहे हैं। वो दोनों अभी एक या दो वो लोग 1 से 5 क्लास तक क्लास लेते हैं और हम 6, 7, 8 वाले बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय निम्डी के प्रभारी शिक्षक कृष्णा देवगम कहते हैं कि जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें निजी कक्षाओं के बच्चे बिना कुछ पढ़े आगे की कक्षा में चले जाएंगे तो उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हो पाएगा। ग्राम सभा की ओर से बच्चों की शिक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है जो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण बहुत से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही थी। पिछले 1 सप्ताह से यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। सरकार करिए ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, फिर इस गांव में मोबाइल की कमी, एंड्रॉयड फ़ोन कई बच्चों का नहीं है, अधिक से अधिक बच्चों का नहीं है। 2000 बच्चों के पास है, उन लोगों का हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास, गार्जियन के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से एडमिशन चालू है, पहली क्लास के बच्चा अगला बार दूसरी क्लास पहुँच रही है। पिछले KG क्लास में एडमिशन लिए हुए बच्चे इस बार पहली क्लास पहुंच गई है। बिना अक्षर ज्ञान के क्लास प्रोन्नत हो रही है लेकिन ज्ञान नहीं है। इसी के मद्देनज़र गाँव वालों ने सोचा कि हमारे बच्चे कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, तो इस तरह से कैसे किया जाए, हम लोगों से सलाह लिया। तो हम लोगों ने सलाह दिया कि गांव के बच्चे अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो इससे पढ़ाई हो सकती है, पेड़ के नीचे या तो कहीं पर भी ट्यूशन के तरीके पर हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने ग्राम सभा बात रखी लोगों ने, तो बहुत से बच्चे तैयार हो गए पढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो पढ़ाने का काम कौन करते हैं? गांव के ही बच्चे हैं? गांव के ही बच्चे हैं, हमारे स्कूल से ही पास आउट बच्चे हैं, कोई इंटर में है, कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उन लोगों का विचार है कि नहीं पढ़ाना चाहिए हमारे भाई बहनों को, तरह से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, टीचरों को भी, तो टीचर भी गाइडलाइन दे रहे हैं। तो वो माने निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और गांव-गांव में जो परिवार ले सोच रहे हैं कि हम लोग अपने तरफ से 50-50 रुपया देने के लिए सहमति प्रदान किया है ग्राम सभा में भी, तो अच्छा पहल है गार्जियन को एक तरह से कहे तो। ये शिक्षा के प्रति एक संवेदनशीलता इन लोगों में है, तो हम लोग सराहना करते हैं इसकी, गार्जियन का। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF को भाकपा माओवादी और PLFI के खिलाफ लगातार मिल रही सफलता के कारण नक्सली बैकफुट पर है। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा IED बम, हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान में नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा का कहना है कि पुलिस के प्रति ग्रामीणों के बढ़ते विश्वास के कारण यह सफलता मिल पाई है।
पुलिस और ग्रामीणों का संबंध प्रगाढ़ हुआ है और इसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के कारण पुलिस और ग्रामीणों के बीच से डर और भय का माहौल समाप्त हो गया है और वह बेझिझक पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के पास आते हैं और बात करते हैं। एसपी ने कहा कि ग्रामीण जिसके साथ रहेंगे उससे सफलता जरूर मिलेगी। आम आदमी साथ हो तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की सफलता बढ़ जाती है। इस नक्सल अभियान में देखेंगे तो इसमें आम लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। आम आदमी अगर आपके साथ है तो नक्सल अभियान चलाने में आपको बहुत सफलता मिलती है और ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि जिसके तरफ गांव वाले होंगे, जो भी उनके साथ मिल के काम करेगा, उनको सफलता ज़रूर मिलेगा। बीते वर्ष भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे और बहुत सारी रिकवरीज भी हुई थी। उसमें विशेषकर 180 से ज़्यादा आईडीज रिकवर हुए थे। इस वर्ष भी ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा आईडीज रिकवर किए गए हैं, वो करीब 90 से ऊपर आईडीज अब तक हम लोग रिकवर कर चुके हैं। इम्पैक्ट हुआ है, लोगों में एक आत्मविश्वास बना है, लोगों के प्रति विश्वास भी आया है, लोगों के प्रति नहीं पुलिस के प्रति एक विश्वास हुआ है उनको, और एक जो होता है डर का माहौल या भय का माहौल इसमें कमी आया है। लोग अब आ रहे हैं, वरीय पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, थाना के स्तर पर बात कर रहे हैं, कोई मामला होता है तो अविलंब सूचना दे रहे हैं। एक अच्छी बात है पुलिस पब्लिक के संबंध के लिए और हम लोग आशा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में यह संबंध और अच्छा होगा। अवैध रूप से गुटखा और पान मसाला बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा शहर में छापामारी अभियान चलाया गया। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो की उपस्थिति में शहर के मोहलसाई क्षेत्र में एक गुमटी से करीब 20,000 रुपए का गुटखा और पान मसाला बरामद हुआ। यह गुमटी अजय पान नामक व्यक्ति की है। गुटखा और पान मसाला मिलने के बाद दुकान को सील कर दिया गया। अवैध गुटखा और पान मसाला की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी से बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संप्रेषण गृह परिसर, कार्यालय, पाठशाला और पाकशाला का मुआयना किया, कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नीलाम पत्र मामले से संबंधित बैठक वर्चुअल माध्यम से उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में उपायुक्त ने बकाया वसूलने का निर्देश दिया। समाहरण नाले सभागार में हुई बैठक में अपर उपायुक्त एजाज अनवर, जिला खनन पदाधिकारी अभिषेक निशांत, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र बड़ाइक के अलावे जिले के सभी नीलाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उपायुक्त ने नीलाम पत्र पदाधिकारी को बकाया राशि वसूलने से संबंधित विभिन्न कार्यालयों में दायर वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही आगामी सप्ताह में नीलाम वसूली से संबंधित अलग अलग चरणों के विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता अंदर राज्य से प्राप्त गाइडलाइन के तहत डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग गठित करने का निर्देश दिया। समाहरण नाले सभागार में हुई बैठक में डीडीसी संदीप बक्सी, सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, एडीसी एजाज अनवर, सदर एसडीओ शशिंद्र बड़ाई के अलावे मेडिकल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, सोशल वर्कर और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में उपायुक्त ने जिले में संचालित 15 अल्ट्रासाउंड केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सभी संचालकों को फॉर्मेट एच का ऑनलाइन एंट्री एवं क्लिनिक का जियो टैगिंग सुनिश्चित करवाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। उपायुक्त ने कहा कि प्रसव पूर्व
लिंग जांच तकनीकी सलाहकार समिति का मूल उद्देश्य व्यवहारिक परिवर्तन लाना और कानून के उल्लंघन करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को प्रखंड स्तर पर चयनित CHO के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कर्मी और अन्य महिला समूह को प्रशिक्षित किया जाए ताकि महिलाओं में इस कानून के प्रति जागरूकता लाया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का ने नौमुंडी प्रखंड के सभी PDS डीलर के साथ बैठक की। बैठक में सभी PDS डीलर को मई और जून माह का अनाज वितरण में गति लाने का निर्देश दिया। बैठक में नौमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, PDS डीलर मौजूद थे। बैठक में मई और जून माह के अनाज वितरण में तेजी लाने के अलावे सभी डीलर को COVID-19 वैक्सीनेशन लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से सुरक्षित और कारगर है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने की संभावना नगण्य हो जाती है। वारंट क्षेत्र लिपि के जनक ओद गुरु को लाखोद्रा की पुण्यतिथि आदिवासी हो समाज महासभा के क्लब भवन हरिगुटू में मनाई गई। कार्यक्रम से पूर्व आदिवासी हो समाज युवा महासभा और सेवानिवृत्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने महासभा की देशावली परिसर में सामूहिक प्रार्थना की। लाखो बोद्रा के योगदान को याद किया और संकल्प लिया गया कि समाज में भाषा लिपि का प्रचार प्रसार और विकसित करने का काम किया जाएगा। भाषा के हित में अधूरे कार्य को पूरा करके लाखो बोद्रा के विचारों को पूरा करना है। युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी ने कहा कि हो समाज को बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति हो भाषा की लिपि वारंग क्षेत्र उन्होंने दी है। अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसे आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें। हो समाज से जुड़े हर व्यक्ति के घर घर तक वारंग क्षेत्र लिपि को पहुंचाएं। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सनातन पिंगुआ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। सनातन पिंगुआ ने कहा कि इस वर्ष कई छात्रों का झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला है। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। छात्र हित के लिए जल्द से जल्द सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें फीस और किताब खरीदने के लिए पैसों की कमी ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इनको दीजिए इजाजत। नमस्कार।